हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? होप यू आर वेल। सो बच्चों, मैं आपको बता दूं, उसी कंटिन्यूस में जिसमें हम लगातार ईएमआरएस के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेस्ड ऑन लिटरेचर, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कि कल हम इसमें से बच्चों 10 क्वेश्चंस कर चुके थे, लाइक WBEDS पे जो हम क्वेश्चंस बना रहे हैं इस सीरीज में, हमने देखा WBEDS क्या है, एंग्लो आयरिश है, और इस तरह से करते हुए हम पहुंच गए थे टोटल 10 क्वेश्चंस पे। यीट्स पोएम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस टू, ये किसको एड्रेस है? हिज वाइफ को, सिस्टर को, बेलेवेड मॉडगोन को, या फिर रॉबर्ट ब्रिजेस को? तो बच्चों आंसर हमने क्या देखा था, इट वॉज शी, हिज बेलेवेड मॉडगोन। तो एंग्लो आयरिश पोएट हैं, बड़े जबरदस्त हैं, उन्होंने काफी सारे वर्क लिखे हैं। अब इनका लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये बच्चों इस वर्क की हमारी थीम क्या बनती है? तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, व्हाट मस्ट बी द थीम ऑफ दिस वर्क। तो क्या आंसर बनाएंगे जरा बताएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 11, जगर हम सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये एक वर्क है WBEDS का, इसकी जो थीम है, क्या ये थीम हमारी एटर्निटी ऑफ लाइफ है, लैंड ऑफ द आइडियल विजन है, यूटोपियन विजन है, या फिर बच्चों मोर्टेलिटी ऑफ मैन है, हम इसे किस में कहेंगे? तो ये हमारा आंसर जो बनेगा, ऑब्वियसली आंसर बनेगा हमारा एटर्निटी ऑफ लाइफ, यानी कि जो बाइजेंटियम जो शहर का नाम है उसकी ही हम उसमें शेल करते हुए, उसकी तरफ जाते हुए की कंडीशन को हम यहां पे शो करते हैं। तो यही बच्चों सेलिंग टू बाइजेंटियम है। लेते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन। द सिंबल्स यूज्ड बाय WBEDS आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज, जो मतलब उन्होंने सिंबल्स यूज किए हैं वो बच्चों बड़े मुश्किल हैं डिफाइन करने। ऐसा क्यों? क्योंकि ए यहां पे ऑप्शन है, दे आर टू इंट्रिकेट, बड़े मुश्किल है समझना, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी, आयरिश माइथोलॉजी से है, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम स्कॉटिश लेजेंड्स, या फिर ड्राइव्ड फ्रॉम द अननोन रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज ही अननोन है। तो हम यहां पर क्या आंसर बच्चों बनाएंगे? तो मैं आपको बता दू, क्योंकि वो आयरलैंड से बिलोंग करते थे, आयरिश उनका जन्म था, वो एंग्लो आयरिश थे, एंग्लो तो बाद में बने लेकिन पहले तो आयरिश थे। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो मैक्सिमम लाइक सिंबल्स यूज किए हैं वो किससे किए हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम द ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी, जो कि बड़ी ऑब्सक्योर है, बड़ी मुश्किल है अंडरस्टैंड करना, यानी कि उसमें क्लैरिटी है ही नहीं। तो इसी वजह से हम आंसर क्या देंगे यहां पे, बी। फिर हमारा क्वेश्चन है, माय 50th ईयर हैड कम एंड गॉन, आई सेट ऑन अ सॉलिटरी मैन इन अ क्राउडेड लंडन शॉप, एन ओपन शॉप बुक एंड एम्प्टी कप ऑन द मार्बल टेबल, From which poem of the Yeats these lines have been quoted? तो आपको आंसर करना है बच्चों, ये लाइन्स हमारी कहां से ली गई? क्या ये बाइजेंटियम से है, क्या ये वेसिलेशन से है, कूल पार्क, या फिर ब्लड एंड द मून? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये वेसिलेशन से ली गई है। वेसिलेशन जो पोएम है हमारे WBEDS की लिखी हुई, ये लाइन वहीं पर अपियर होती है। गेटिंग एवरीवन? ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विजडम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डेड, अ समथिंग इनकम्पेरेबल विद लाइफ एंड पावर, लाइक एवरीथिंग दैट हैज स्टिंग ऑफ ब्लड, अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। फिर से इसलिए पूछा कि ये पर्टिकुलर लाइन हमारी किस वर्क में, इनकी किस पोएम में आती है? तो बच्चों क्या ये हमारा द थ्री बुशेज है, लैपिस लाजुली है, प्रेयर फॉर ओल्ड एज है, या फिर द गायर्स है? आंसर जो हमारा जाएगा वो क्या जाएगा, अ प्रेयर फॉर ओल्ड एज। अ प्रेयर फॉर ओल्ड एज अगेन एक क्या है, इट्स अ पोएम रिटन और कंपोज्ड बाय WBEDS। तो हम यहां पे WBEDS को देखेंगे, आंसर हमारा सी बनेगा। फिर आता है क्वेश्चन, इज यीट्स प्राइमरीली ए, क्या है, सिंबोलिस्ट है, इमेजिस्ट है, सटायरिस्ट है, या फिर आइडलिस्ट है? तो बच्चों अभी अभी आपने देखा कि वो सिंबल्स का यूज करते थे, है ना, सिंबल्स यूज बाई WBEDS, इसका मीन्स क्या बना, इसका मीन्स बना कि 100% वो सिंबोलिस्ट थे, ही वॉज अ सिंबोलिस्ट। जबरदस्त क्वेश्चन है,
थ्रू विंटर टाइम वी कॉल ऑन स्प्रिंग एंड थ्रू द स्प्रिंग ऑन समर कॉल एंड व्हेन द अबाउंडिंग हेज इज रिंग डिक्लेयर दैट विंटर्स बेस्ट ऑफ ऑल। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसमें क्या जवाब देंगे। तो बच्चों हम इसमें जवाब देंगे कि ये किस पर्टिकुलर वर्क से है। तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो आंसर हमारा बनेगा बच्चों वो आंसर हमारा होगा सी आंसर, यानी कि द न्यू फेसेस नहीं, लेड एंड स्वान द नहीं, द व्हील। ये लाइंस हमारी द व्हील से ली गई है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहां पे, द व्हील। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज ईट्स इन द सेवन वुड्स, सेवन वुड्स में ईट्स क्या है, आंसर आपको देना है। कलेक्शन, ये सेवन वुड्स क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, सीरीज ऑफ वर्स टेल्स है, कलेक्शन ऑफ एसेज है, या फिर बच्चों लिरिकल प्ले है, हम इनमें से किसको कहेंगे। तो गाइज ये बेसिकली क्या है, ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स बनेगा। आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यीट्स हैज रिटन अ पोएम ही विशेस हिज बिलवड वर डेड, व्हाट इज द मूड इन विच दिस पोएम इज रिटन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा बच्चों यहां पे क्या जाएगा, ये मूड ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं है, सेटाइटी नहीं है, वेरीनेस हो सकता है, ह्यूमर, ये हमारा वेरीनेस का बनेगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। व्हाट इज ईट्स द टावर, ये क्या है, तो ये बच्चों हमारा है अ सीरीज ऑफ इंटरलॉक्ड पोएम्स, ये इंटरलॉक पोएम्स का एक सीरीज बनेगा। तो आंसर हमारा सी जाएगा। 20 क्वेश्चन पे आते हैं और इसका बच्चों हम आंसर देखते हैं। Yeats poem Fool Park is related with the poet's association with, किसकी एसोसिएशन से रिलेटेड है ये हमें जानना है। तो भाई इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्या ये एक लेडी ग्रेगरी है, आयरिश सोशल लाइफ है, पोएट्स ओल्ड एज मेमोरीज हैं, या फिर बच्चों ये पोएट्स जस्ट फॉर लाइफ है, हम क्या आंसर इसका बनाएंगे। तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे कि 20 का आंसर हमारा बनेगा ए, लेडी ग्रेगरी। क्या बनेगा बच्चों, लेडी ग्रेगरी। तो आज बच्चों इतने ही क्वेश्चंस करेंगे इसमें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।